आल्हा और उदल बुंदेलखंड के दो महान योद्धा थे। इनकी वीरता की कहानी आज भी उत्तर भारत के गांवों में गाई जाती है। प्यारे बच्चों, आज मैं सहायक अध्यापिका ममता मिश्रा जिला इलाहाबाद से आपको इन दोनों भाइयों के बारे में बताऊंगी। आल्हा और उदल के पिता का नाम देशराज था तथा माता का देवल। एक बार देशराज और माणवगढ़ के राजा कलिंग राय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा कलिंग राय ने छल से रात्रि में देशराज को बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। जब देशराज की हत्या हुई तब आल्हा और उदल बहुत छोटे थे। उन्होंने माँ से पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो, पिताजी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो बहुत बीमार थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई। देवल ने अपने बच्चों को पिता की हत्या का सच नहीं बताया ताकि वे युद्ध की ज्वाला से बचे रहें। और चंदेल शासक परमाल के महल में रहकर उनका पालन पोषण करती रही। महल में रानी मलहना ने भी दोनों बच्चों को अपनी संतान के समान प्यार किया। बचपन से ही दोनों बालक बरछी बाण कृपाण चलाने तथा घुड़सवारी करने में रुचि लेते थे और किशोरावस्था की दहलीज पर आते आते वे इन कलाओं में निपुण हो गए। एक दिन उदल ने अपने बड़े भाई आल्हा से शिकार पर चलने की जिद की। आल्हा और उदल अपने अन्य साथियों के साथ शिकार पर गए। दिन भर जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। शाम के समय आल्हा ने उदल को वापस लौटने को कहा, लेकिन दृढ़ निश्चयी उदल ने कहा, भैया बिना लक्ष्य भेद के वापस चलना वीरता का अपमान है, आप जाइए, मैं शिकार करके ही लौटूंगा। आल्हा लौट आए किंतु उदल ने शिकार की खोज में अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया और एक हिरन का शिकार किया। बच्चों, पहले के समय में राजा महाराजा शिकार करना अपनी शान समझते थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। आप लोग भी कभी किसी जानवर को मत मारना, बल्कि उन्हें प्यार देना। आप लोग ऐसा करेंगे ना? अब वापस चलते हैं उदल के पास। उदल ने हिरन का शिकार तो किया, लेकिन वे शिकार ढूंढते ढूंढते उरई राज्य में प्रवेश कर गए थे। वहाँ के वन रक्षक ने उन्हें हिरन ले जाने से रोका, पर वीर उदल ने कहा, मैंने इस हिरन का शिकार किया है, मुझे उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। वन रक्षक ने अपने राजा माहिल परिहार को इसकी सूचना दी। राजा ने अपने पुत्र अभय को उदल को दंड देने के लिए भेजा। अभय और उदल में युद्ध हुआ, जिसमें वीर उदल ने अभय को पराजित कर दिया। माहिल इस हार से आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, अगर उदल इतना ही पराक्रमी है तो अपने पिता के हथियारों से बदला क्यों नहीं ले लेता। संयोगवश उस समय उदल ने ये बातें सुन ली और आक्रोश में जाकर माँ से अपने पिताजी की हत्या के बारे में पूछा। विवश माँ ने उदल को सारी सच्चाई बता दी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आल्हा उदल भाइयों ने अपने चाचा ताला सैयद के साथ कलिंग राय के महल पर चढ़ाई कर दी। और राजा कलिंग राय को पराजित कर दिया। इन दोनों भाइयों ने 52 लड़ाइयां लड़ी और सभी में विजय प्राप्त की। लेकिन एक बार दिल्ली नरेश पृथ्वीराज के महोबा पर आक्रमण के समय विध्वंसकारी युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद आल्हा बहुत निराश रहने लगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। तो बच्चों, ऐसे थे वीर पराक्रमी आल्हा उदल।